उत्तर प्रदेश की जेलों में माफिया राज बदस्तूर जारी है। जेलों में बंद माफिया रंगदारी, अपहरण, हत्या जैसी वारदातों की साजिश तो रच ही रहे हैं, लेकिन अब जेल के अंदर अपने विरोधियों का अपहरण करवाकर टॉर्चर भी करते हैं। मामला देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद और राजधानी लखनऊ के व्यापारी का है। मुकदमा भी तत्काल उसी रात दर्ज किया गया और रातों रात पुलिस ने इसमें जो बरामदगी की है, वो जिस गाड़ी से उस आदमी को ले जाया गया था वो भी बरामद कर ली गई, उसकी जो आदमी था उसकी भी गाड़ी बरामद कर ली गई। मुकदमा अंतर्गत धारा 147, 149, 386, 329, 420, 467, 468, 471, 394, 504, 120B, इन सभी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। और ओवरनाइट जो ऑपरेशन चला उसमें दो लोग आदमी जो साथ ले जा रहा था, उसका नाम गुलफाम था और एक आदमी और इरफान, इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शेष को ये लोग देवरिया ले गए थे। देवरिया में इन लोगों ने धमकाने और मारने पीटने का आरोप लगाया।